अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको फ्राई मिर्चे करना सिखा रहे हैं और साथ में हम आपको जो है ये हमने मिर्चे इसमें ऐड कर दिए। ये देखिए मिर्चे चली गई हैं। अब इसमें हम ये बच्चों के लंच के लिए चिप्स तैयार कर रहे हैं, स्कूल लेके जाने हैं, और इसे हमने खुद खानी है क्योंकि हमें अच्छी लगती है। तो ये देखिए इस तरह हमने कुछ चिप्स भी ऐड कर दिए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। इसी तरह आप भी अपने बच्चों के जो लंच बनाते हैं हमारे साथ शेयर किया करें, हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म की तरह है, मुसाफिर आते हैं जैसे प्लेटफॉर्म पे और जाते हैं, इसी तरह यूट्यूब पर भी आते जाते रहते हैं। तो एक दूसरे के साथ ताउन कीजिए। तो हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारे चैनल्स को कीजिए, हमारा यूट्यूब का साथ दीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हम चिप्स को फ्राई कर रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत अच्छे तरीके से। इस पर हमने चाट मसाला छिड़क देना है जो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और अच्छा लगेगा। ये जी अब हम इनको उल्टा पुल्टा कर गैस करते हैं। ये हमने इसको गैस कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए बहुत आला और शानदार तरीके से मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं और साथ में चिप्स भी हमने फ्राई कर लिए हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। इस तरह फ्राई करने से मिर्चें मीठी हो जाती हैं, कड़वापन उनका ख़त्म हो जाता है, ये विटामिन सी से भरपूर होती हैं। तो ये देखिए ये मैंने अच्छे क्रिस्पी क्रंची फ्रायर चिप्स बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब हम बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम लोगों ने बच्चों का लंच रेडी करना है। क्या अच्छा पाप लादा से साथ दे सकते हैं क्योंकि लंच में डालें तो वो अजीब सा हो जाता है, अपनी मर्ज़ी से बच्चे डालें और खाएं। ये मैं निकाल लेती हूँ तमाम के तमाम चिप्स एक प्लेट में। ये मेरे पास प्लेट मौजूद है तो मैं इस प्लेट में तमाम को निकाल लूँगी। ये देखिए ये देखिए ये बच्चे जो हैं शौक से खाते हैं। इसी तरह मैंने तीन डब्बे तैयार करने हैं, एक डब्बा मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि आपको कैसा लगा है। ये डब्बा मैं अयान के लिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि अयान को छुट्टी लेट होती है और अयान लेट आता है, इसलिए मैं ये डब्बा उसके लिए तैयार कर रही हूँ। डब्बा तैयार करके आपको दिखाऊंगी और बाकी के चिप्स भी मैं इसी तरह ही फ्राई कर लूँगी। ये देखिए ये बाकी के चिप्स भी मैं इसमें ऐड करके एक डब्बा आपको सारा सेटअप करके दिखा रही हूँ साथ साथ। ये देखिए ये इधर मैंने ये तल लिए हैं, इधर ये चिप्स तलने हो रहे हैं। अब मैंने रखा हुआ है पास चाट मसाला, ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है और अब मैं डब्बा तैयार कर। तो अब हम इसमें जो है चिप्स डालकर रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने तमाम चिप्स इसमें डाल के रख देने हैं क्योंकि चिप्स गर्म है बहुत ज़्यादा। तो
हम इनको उठाएंगे आस्ता आस्ता से, ये हमने इसमें चिप्स डाल के रेडी करने हैं सारे के सारे, क्योंकि तो डब्बा भर के भेजना है। ऐसे आप लोग भी बनाया करें, हमारे साथ शेयर कीजिए अपनी रेसिपी जिस तरह हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। ये डब्बा हमने भर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डब्बे को हमने रेडी करना है और भेजना है स्कूल। ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से डब्बा सज गया है, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ये स्प्रिंकल कर रही हूँ। केचप मैं अलहदा से डब्बी में डाल के भेजूँगी, क्योंकि इसके ऊपर केचप डालने से ना अजीब सी लखपत बन जाती है। केचप मैं अलहदा से डालूँगी और भेजूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और बच्चों का लंच हो गया है तैयार। अल्लाह हाफिज़।